हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉर्ड ऑफ द लॉ। माय नेम इज़ प्रतीक वर्मा फ्रॉम लॉ सेंटर 1, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन लास्ट वीडियो आई हैड टोल्ड यू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट टू जनरेट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फिर सेपरेशन ऑफ पावर और सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की भी बात की थी। अब आज की इस वीडियो में मेजोरिटी की बात करेंगे, विच विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम एज सच, बट इट्स अप्लीकेशन विल कम ऑल थ्रू। और ये बिना जाने आप आगे पॉलिटी पढ़ ही नहीं सकते। एंड बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट मी टेल यू, यू कैन चेक माई प्ले लिस्ट फॉर द वीडियोज़ ऑन IPC, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेन न्यू वीडियोज़ आर अपलोडेड। अब आप देखो, स्कूल में आपने एग्ज़ाम दिया होगा और अच्छे मार्क्स से पास भी किया होगा, लेकिन स्कूल में एग्ज़ाम पास करने के लिए एक थ्रेशहोल्ड था, एक चौखट था, एक दहलीज था। कुछ स्कूल में इट वॉज 33% एंड इन सम स्कूल इट वॉज 40%। मतलब आप हायर क्लास में प्रमोट किए जाओगे या नहीं, ये आपका मार्क्स से डिसाइड किया जाता था। अगर आपका मार्क्स 33% है या उससे ज़्यादा है तो आपको अगले क्लास में भेज देते थे। इसी प्रकार से एक और थ्रेशहोल्ड था स्कूल और कॉलेज में, और उसको बोलते थे डिस्टिंक्शन। और डिस्टिंक्शन के लिए आपको 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए होता था। इफ़ यू गॉट 75% मार्क्स, देन यू वर सेड टू बी हैविंग डिस्टिंक्शन। अब आप देखो, उसी तरह पार्लियामेंट में प्रपोजल पास किए जाते हैं। वेदर ए प्रपोजल इज पास्ड और नॉट, ये वोटिंग तय करता है। लेट से यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ UP, उत्तर प्रदेश का नाम बदलना है। अब नाम बदलने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होगा। अब उत्तर प्रदेश का नाम बदलने का प्रपोजल, प्रस्ताव पास हुआ या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि नाम बदलने के फेवर में कितने वोट पड़े। और अगर वोट की संख्या थ्रेशहोल्ड नंबर के बराबर या उससे ज़्यादा है तो यूपी का नाम बदल जाएगा, एंड इफ़ नॉट देन द नेम ऑफ द यूपी विल नॉट बी चेंज्ड। और ये जो थ्रेशहोल्ड नंबर है, इसी को बोलते हैं मेजोरिटी। देखिए, पार्लियामेंट में अलग अलग प्रपोजल अलग अलग मेजोरिटी से पास किया जाता है, और फर्स्ट मेजोरिटी है सिंपल मेजोरिटी। नाउ टेल मी, व्हाट्स द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा? इट्स 545 एंड फॉर राज्यसभा इट इज़ 245। आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट देन गो एंड चेक इट आउट। मतलब इतने सारे मेंबर होते हैं हाउस के अंदर। अब देखो, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है तो उसके लिए वोटिंग होगा लोकसभा और राज्यसभा में। वेदर इट इज एक्सेप्टेड बाय हाउस और नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वोट्स विच इट शुड गार्नर मिनिमली, एंड इट शुड बी इक्वल टू और मोर देन द सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब है नॉट लेस देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ। लेट से प्रपोजल इज बींग पास्ड इन लोकसभा, और प्रपोजल पास हो रहा है फ्राइडे को। अब लोकसभा में टोटल 545 MPs हैं, बट डू यू थिंक ऑल द मेंबर्स विल बी प्रेजेंट दैट डे? नो, कुछ आएंगे ही नहीं, तो बाकी कहाँ जाएंगे? इससे हमें क्या लेना, कोई क्लब जाए, कोई पेरिस जाए, कहीं भी जाए, उनकी इच्छा। मान लेते हैं कि आउट ऑफ 545 MPs ओनली 500 MPs वर प्रेजेंट ऑन द डे व्हेन वोटिंग वॉज टेकिंग प्लेस। एंड द मोमेंट वोटिंग स्टार्टेड, और जैसे ही वोटिंग स्टार्ट हुआ, कुछ लोग चैम्बर से बाहर निकल गए। कहाँ गए वो? कहीं भी जाए, दे कैन गो टू वॉशरूम, दे कैन गो टू कैंटीन, उनकी इच्छा। अब 545 में 500 लोग आए, और उसमें से भी कुछ लोग बाहर चले गए। मान लेते हैं 50 लोग लोकसभा में आए पर वोट नहीं किए। अब आपको नंबर मिला है 450। ये वो MPs हैं जो पार्लियामेंट आए भी और वोट भी किया। ये नंबर फिक्स नहीं है, आपको क्या पता किस दिन कितने मेंबर आएंगे। अब देखो, 50% ऑफ 450 डेट इज़ नॉट लेस देन 225। मतलब अगर यूपी का नाम चेंज करना है तो कम से कम 225 वोट चाहिए, और अगर 225 वोट मिलते हैं तो यूपी का नाम चेंज हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। पार्लियामेंट में बहुत सारी प्रपोजल सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, जैसे कि क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। स्टेट स्पेशल मेजोरिटी से करेगा, लेकिन सेंटर सिंपल मेजोरिटी से करेगा। ठीक है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं।
दूसरी मेजोरिटी है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब आप बताओ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कौन सा प्रपोजल पास किया जाता है? कोई प्रपोजल नहीं, नो प्रपोजल। नेवर एवर ए प्रपोजल इज़ पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन है अटैच्ड टू ए कंडीशन। इसका नंबर है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और ये फिक्स्ड है। इन केस ऑफ लोकसभा 50% ऑफ 545 एंड इन केस ऑफ राज्यसभा 50% ऑफ 245, जो कि फिक्स है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कोई भी प्रपोजल पास नहीं होता है। इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा कंडीशन अटैच्ड विथ अदर कंडीशन। अभी कुछ देर में आपको इसका मतलब बताता हूँ। अब देखो, थर्ड है इफेक्टिव मेजोरिटी। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो आप बोलोगे 6 घंटे, 6 hours a day। अब मैं आपसे पूछूँ कि कितने घंटे इफेक्टिव स्टडी करते हो, तो आप बोलोगे 4 घंटे। तो 2 घंटे का गैप आ गया ना, कहाँ बर्बाद हुए 2 घंटे? आपको पता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी हो। एनीवेज, कहने का मतलब ये है, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 6 hours, इट्स ओनली 4 hours ऑफ इफेक्टिव स्टडी। यही है इफेक्टिव मेजोरिटी। अब आप इस बात को समझिए, इफेक्टिव मेजोरिटी इज़ नंबर विच इज़ 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप माइनस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑन द मोमेंट। अगर मैं बोलूँ एक प्रपोजल इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो रहा है, इसका मतलब इन केस ऑफ लोकसभा इट इज़ 50% ऑफ 545 और इन राज्यसभा इट इज़ 50% ऑफ 245 माइनस वैकेंसी। और वैकेंसी का मतलब देखो, लोकसभा में 545 सीट्स हैं एंड ऑल आर फिल्ड आफ्टर इलेक्शन। सपोज़ इलेक्शन के 10 दिन बाद हाउस में 3 वैकेंसी हो गई। सपोज़ कोई एमपी की डेथ हो गई, आफ्टर ऑल एन एमपी कैन ऑल्सो डाई ना। सो व्हेन एन एमपी डाइड, वैकेंसी हो गई वहाँ पे, एंड दिस इज़ द परमानेंट वैक्यूम अनलेस फिल्ड बाय री इलेक्शन। वो एमपी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का था, वहाँ पे आपको री इलेक्शन कराना पड़ेगा। अब आप देखिए, कोई एमपी हो और 10 दिन के बाद उसे दुनिया बस एक मोह माया लगने लगे और वो संन्यास ले ले और योगी बन जाए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर योगी संन्यास ले ले। मतलब ही लेफ्ट द हाउस, ही रिजाइंड फ्रॉम द हाउस, एंड बाय डूइंग सो डिड ही नॉट क्रिएट द वैक्यूम? यस। अब देखो, एक और तरीका हो सकता है जिससे वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। लेट से यू बिकेम एमपी, आप सांसद बनते हो, ठीक है, और आपने कुछ इलेक्टोरल मैनिपुलेशन किया था इलेक्शन में, फ्रॉड किया था आपने, और बाद में आप पकड़े जाते हो। इट गॉट एक्सपोज्ड एंड यू गॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस। आपको निकाल दिया गया हाउस से। अब वैकेंसी क्रिएट हो गई वहाँ पे। मतलब वेदर एन एमपी डाइज, रिजाइंस और गेट डिस्क्वालिफाइड, इन ऑल दीज 3 केसेस देयर इज़ ए वैक्यूम, और इसी को वैकेंसीज बोलते हैं। अब देखिए, टोटल मेंबरशिप तो फिक्स्ड है दोनों हाउस के लिए, लेकिन वोटिंग के टाइम पे कितना वैकेंसी होगा, गॉड नोज हाउ मेनी विल डाई, हाउ मेनी विल रिजाइन एंड हाउ मेनी विल बी डिस्क्वालिफाइड। इसे एक्स मान लेते हैं। अब जो नंबर मिला है आपको 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप माइनस एक्स, इसी नंबर को इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। अब देखो, लोकसभा स्पीकर इसी मेजोरिटी से हटाया जाता है। स्पीकर इज रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। अभी ओम बिरला जी स्पीकर है। स्पीकर क्या होता है वो आगे वीडियोस में बताऊंगा। अभी आप ये याद रखना कि स्पीकर को इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव करते हैं। अब एक और टाइप की मेजोरिटी है, वो है स्पेशल मेजोरिटी। इसमें 2/3 से प्रपोजल पास किया जाता है, और ये कॉन्सेप्ट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। स्पेशल मेजोरिटी भी 2 टाइप की होती है, एक जज को रिमूव करने के लिए, दूसरा प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। देखो, पहला है 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये नंबर शुड बी नेसेसरली मोर देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जो कि फिक्स है। प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये है कि ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। इन लोकसभा एब्सोल्यूट मेजोरिटी डेट इज़ 50% ऑफ 545 विच इज़ 273, ये नंबर फिक्स है ना। अब देखो, जज को रिमूव करने के लिए वोटिंग हो रहा है, मान लो उस दिन 545 में से मात्र 300 एमपी ही आए, और उस दिन 300 एमपी में से भी 100 लोग बाहर चले गए। अब केवल 200 लोग बचे,
और 2/3 जो नंबर है 200 का वो कितना हो गया, 122। अब आप ये देखो, हमें जो नंबर मिला है वो है 122, जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम है। 122 273 से कम है ना। सो इवन इफ द प्रपोजल इज गेटिंग सपोर्ट ऑफ 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, द जज विल नॉट बी रिमूव्ड, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कंडीशन था एब्सोल्यूट मेजोरिटी का, दैट द 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग शुड नॉट बी लेस देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज 273 से नंबर कम नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखो, हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कुछ पास नहीं किया है, बस ये एक्स्ट्रा कंडीशन था। एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगाया क्यों गया? आप देखो, सपोज 545 मेंबर्स में से सिर्फ 150 मेंबर ही किसी सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव कर दे, तो ये जस्टिफाइड नहीं है ना। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की स्पेशल मेजोरिटी का। सेकेंड टाइप के स्पेशल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, और ये नंबर है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट तभी इम्पीच माना जाएगा व्हेन द इम्पीचमेंट प्रपोजल गेट्स द सपोर्ट ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दैट इज 2/3 ऑफ 545 एंड 2/3 ऑफ 245। और इस पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी का कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर आपको मिलेगा ये खुद में बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए प्रेसिडेंट को इम्पीच करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इनफैक्ट जजेस को भी रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। तो आज हमने मेजोरिटी टॉपिक कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। एंड कम ऑन बडी, इट्स फ्री, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन यार।